तो अभी यहाँ पीछे से जहाँ से हमने क्रॉस किया वहाँ पे एक वॉल्केनो है। ये वीडियो मैंने शूट किया था कनाडा के एक शहर जिसका नाम है टेरेस में। टेरेस के पास एक वॉल्केनो इरप्शन साइट है, वहाँ हम गए थे और कुछ और एरिया भी देखे। तो मतलब जहाँ जाना है वहाँ की लोकेशन गूगल मैप दिखानी है। ये देखो नो लोकेशन भाई। अब हवा चल रही है भाई। अब जैकेट तो अभी जगह डिसाइड नहीं थी कहाँ जाएंगे। मस्ती मजाक कर रहे हैं मोदी। अगर तू थोड़ा इतना थोड़ा शब होता ना शार्प, तेरी बात ये लगती भाई। एक नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, एक तू मोदी, तीन मोदी की जानता हूँ मैं। तू पीछे रह गया बस। नीरव मोदी पीछे आ गया। यहाँ का मौसम यही है ब्रिटिश कोलंबिया का, कभी भी बारिश कभी भी धूप। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, यहाँ पे बूंदे भी लगी हैं पूरी बारिश की इधर, और अभी आगे देखो धूप खिल गई, वाह। और वो हमारी दूसरी गाड़ी जा रही है आगे जिसमें हमारे भट्ट साहब। तो अभी रोड ट्रिप करते करते हम बीच में रुके क्योंकि ये पीछे लेक है, रिवर है। इसको मैं दिखाता हूँ। So Nizga is basically the first nation people. Okay. तो ये उनका नेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है द निज़गा हाईवे और ये पूरी लेक। एक बार और दिखाता हूँ। हो गया जी। ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करेंगे, ऊपर से लेक दिखाएंगे। तो मैंने ड्रोन उड़ा दिया था लेकिन इसे यही नहीं लगाया मैंने, जॉयस्टिक लगाया नहीं यार, हद है। उंगली डाल के घुमा देगा। तो चलो ड्रोन उड़ाते हैं, देखते हैं कैसा। बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत सारे लेक हैं, रिवर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। अभी मैंने ड्रोन उड़ाया था लेकिन इतना जस्टिस नहीं हुआ क्योंकि ये कुछ एयरपोर्ट वाला एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादा ऊपर ड्रोन नहीं उड़ता है। फिर भी थोड़ा बहुत पता चला होगा उससे। आगे बढ़ेंगे यार, ऐसे ही और लेक मिलेंगे। साहिल भाई पीस इन रेस्ट हो चुके हैं। तो जिस जगह हम आए हैं यहीं तक रोड दिखा रहा है, इसके बाद पैदल चलना है। ज़्यादा पैदल नहीं होगा शायद, चल के देखेंगे। और बारिश भी हो गया। तो उस रिमोट एरिया में जहाँ की फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं थे वहाँ पे हमको मिला ये जनरल स्टोर। तो हमने सोचा चलो इस छोटे से जनरल स्टोर को देख के आते हैं कि कैसा। तो ये हाईवे के बगल में हमने अपनी दोनों कार्स खड़ी करी है। क्यों? क्योंकि इतना क्यूट एक स्टोर, इतना अच्छा छोटा सा एक स्टोर हाईवे के ठीक बगल में था। सेम जैसे कंट्री साइड होता है वैसे ये प्यारा सा स्टोर। तो यहाँ इंडियन भी कुछ मिल गया हमको, ये नमकीन। इस स्टोर में यहाँ पे जो है इन अंकल का मस्त। तो ये स्टोर एक बहुत रिमोट एरिया में था, नेटवर्क इंटरनेट कुछ नहीं था। तो हमने इन्हीं से आगे के डायरेक्शंस पूछे और शायद ऐसे ही होता है इंडिया में भी, छोटे शहरों में आसपास के गांव में एक आधी दुकान। ये जगह एक इतने रिमोट एरिया में थी तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे फ़ोन लगे हुए थे और ऐसी लाइब्रेरी भी, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये फ़ोन ही आसपास के लोग यहाँ पे यूज़ करते होंगे क्योंकि नेटवर्क के बीच में कनाडा के छोटे छोटे गांव में कुछ ऐसे स्टोर होते हैं और ये भैया यहाँ पे मज़े लेते हैं। ऐसे ऐसे स्टोर होते हैं तो कम्युनिटी की चीज़ें जैसे कि ये सब चीज़ें भी यहाँ पर नोटिस बोर्ड टाइप में ये लगा देते हैं। जंगल में खो चुके हैं, साथ वाले दूसरी कार में थे वो गए हैं। ये देखो एग्रेसिव
शॉ एंड कब्स. अब कब्स ये शेर के हैं या किसके हैं पता नहीं, जहाँ जाना था शेर के कब्स भी हो सकते हैं, लेकिन साथ वाले कहीं और चले गए, उनको ढूंढते हैं अभी बाहर, देखते हैं क्या है. निकले बाहर अभी साथ वाले को ढूंढते हैं यहाँ पे. चलो हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत डेंस जंगल वाला एरिया है, थोड़ा डर है, बट देखते हैं कहाँ है. प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई. और यहाँ पे लिखा है नो ट्रांसपासिंग, तो तो ये फॉल यहाँ पे है नहीं. हम किसी झरने के चक्कर में आए थे, लेकिन जंगल में खो गए हैं दोस्त. वापस जाएंगे, पता नहीं कहाँ. और इसीलिए ये गाड़ी भी हमारी यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं अपने दोस्तों को जो कि खो चुके हैं कहीं जंगल में, दिल्ली 9 नंबर. और अभी चलेंगे यार, शांति रख ब्रो. चलो पीछे कोई नहीं था, मैंने सब अपने लौंडे मिल चुके हैं अपने लौंडे, कहीं भूले भटके सामने से. चल बिल्कुल बढ़िया है, चल अपने लौंडे मिल चुके हैं हमको हाईवे में, इन पहाड़ियों के नीचे. ये देख सकते हैं आप, ये देखो, ये भी खतरनाक है भाई. इन्होंने रोड पे खड़ी है, मानना निकाल गाड़ी करो, इनको आगे बढ़ाओ. अरे कहाँ रह गए थे, कहाँ खो गए थे आप? अरे हाँ, हम कहाँ रह गए थे, हम तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए. पास में एक प्रोविंशियल पार्क था, सोचा वहाँ जाएं, और उसके बाद एक ऐसी लोकेशन में जाए जहाँ कुछ साल पहले एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ था. वॉल्केनो इरप्शन के लिए एक्साइटेड तो मैं था ही, लेकिन इस जगह को देखने के लिए भी. स्टार बनते हुए और बनाते हुए, वाह लौंडे खतरनाक है भाई अपने. कहाँ चलना है मोदी जी? किलोमीटर तो मैंने पूछा था 100%, पानी नहीं पिलाया भाई. ये रहा भाई, निज़गा नेशन वेलकम्स यू. कुछ है ये, अभी पता नहीं इसके बारे में. ये है क्या भैया वैसे? पार्क है क्या ये? क्या चीज? ये प्रोविंशियल पार्क है. ओके, मेमोरियल लावा बेड प्रोविंशियल पार्क है. अच्छा, तो आज की रोड ट्रिप में पहाड़ दिखाए, पार्क दिखाए, अब दिखाते हैं लेक, पहाड़ और जंगल एक साथ. सफर के आखिरी डेस्टिनेशन की ओर अब यहाँ से हम निकले थे, जो कि था एक लावा बेड. बस प्रे कर रहे थे कि मौसम सही रहे, बट तो अभी यहाँ पीछे से जहाँ से हमने क्रॉस किया वहाँ पे एक वॉल्केनो है, लेकिन हम उस वॉल्केनो में नहीं जा सकते क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है. लेकिन ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पहले वॉल्केनो इरप्शन हुआ था और वहाँ पे लावा बेड बना था पूरा, वहाँ जगह जाएंगे, देखता हूँ क्या अच्छे से दिखा पाऊँ. और उसके बाद जितने भी पत्थर जगहें आसपास थी वो जल गई थी, तो अभी तक उसमें इफेक्ट है, अभी तक पूरा यहाँ पे अलग दिख रहा है. तो फिर से दिखाएंगे, एक बेड बन गया था लावा का, वो दिखाता हूँ. तो ये लावा बेड करीबन 250 साल पहले यहाँ पे बना था, जब यहाँ पे एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ था और इसमें करीबन 2000 लोगों की डेथ हुई थी, इसीलिए यहाँ पे ये लावा बेड प्रोविंशियल पार्क है. किस्मत के भरोसे खुल जाएगा, हो गया स्लो होगा ब्रो.
गाड़ी लेके आता आज मूवी देखते हैं जंगल क्रॉस करके वहाँ खड़ा हो जाता है कैंपिंग करता है उसे वापिस जाना था देखता वहाँ पानी आ गया भाई बहुत ज्यादा बारिश होती इतनी तिवारी का मर जाता वहाँ पे ये देखो पूरी बारिश हो रही है यार इनको देखो यहाँ सांप मौसम देख रहे हैं अरे वाह डबल भैया क्या बोलते हो रुकना चाहिए चलना चाहिए लेकिन बारिश नहीं रुकेगी बारिश पे ध्यान रखना क्योंकि उसकी गर्दन पकड़े भालू अंदर ले आए बारिश नहीं रुकेगी तुम लाभ अभी शायद नहीं देख पाएंगे मौसम खुल रहा है मौसम खुल रहा है 10 मिनट रुकते हैं चलो रुक जाते हैं किस्मत में देखते हैं रुकते हैं बहुत टाइम है यार अभी जीटी व्हाट यू हैव टू डू ब्रो पीछे भी है देख बादल बल के पीछे अभी नहीं है ना अभी पीछे भी ना है भैया आगे जा रहे हैं आगे रास्ते में ही रुक रहे हैं तेज आ रहा गाड़ी लेके बारिश इतनी तेज थी कि मुझे नहीं लगा ये वीडियो बन पाएगा और मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा लेकिन फिर सबने हिम्मत दी और कहा करते हैं तो यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे कार से बाहर एकदम ये रखते हैं जी हाँ भाई भाई साहब सही बनी है और हमने अपना ड्रोन बारिश में ही उड़ा दिया सोचा पूरा नहीं लेकिन कुछ ग्लिम्स तो दिखाएं कुछ तो दिखाएं कि कैसा होता है जब कहीं पे वोल्केनो इरप्शन होता है तो ये प्रोविंशियल पार्क करीबन 100 किलोमीटर बड़ा है और जब यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ था तो जो लावा बेड बना था वो करीबन 10 किलोमीटर लंबा है तो जो ऐसा एरिया आप अभी देख रहे हो ये 10 किलोमीटर तक है टाइम के साथ यहाँ पे पेड़ पौधे उग गए हैं लेकिन 200-250 साल बाद भी लावा का इतना असर है कि जितने भी ये पत्थर और चट्टाने हैं इन पे बिल्कुल जान नहीं है आप हाथ से ही उन्हें मसल दोगे एकदम चूने मिट्टी के पत्थर की तरह इसीलिए सोचा थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ उड़ता मेरे को ये उंगली तो इतना संघर्ष एक वीडियो के लिए बिल्कुल चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका ड्रोन तू खुश है ना भाई पूरा भीग चुका है हाँ भैया मैं खुश हूँ ओके तो अब इतना संघर्ष के बाद ये ड्रोन पूरा पानी में बारिश में भीग गया सिर्फ एक शॉट के लिए क्योंकि इतनी दूर तक आए थे तो बॉल के दरवाजा दरवाजा तू चलाना गाड़ी तू क्यों रोक रहा है बारिश में उड़ाया दिखाया जितना हो सकता है क्योंकि बहुत बारिश है और हम यहाँ से वापस चलेंगे